प्रभु यीशु कृष्ण में मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के जीवंत वचन में ये समस्या एक अंत व्यक्ति का अंतपन को दूर करने के बाद फरीसी लोगों के प्रतिक्रियाएं, यानी कि सच को झूठ में बदलने का उन्हीं का कोशिश को हमारे सामने रख रहे हैं। वहां पर उन्हीं फरीसी लोगों ने सबसे पहले यीशु मसीह का उसी चंगाई का निराकरण करने के लिए कोशिश करते हैं और उन्हीं व्यक्ति से जाके पूछते हैं कि वो कौन था जिसने तुम्हें चंगाई प्रदान किया है। तब वो मनुष्य बोलते हैं कि वो एक नबी है। उनके कन्वेंशन को तोड़ने के लिए असफल हुए उन लोगों ने उनके माता पिता के पास पहुंच कर यही स्थापित करना चाहते हैं कि वे उनका बेटा नहीं है। इसमें भी सफलता की ओर न बढ़ने पर फिर से उन लोग यही सवाल पूछते हैं कि क्या वे अंधे थे या वे जन्म से अंधे थे। इन सभी बातों को स्थापित करने के लिए वे असफल रह जाते हैं। आज मार्ग सत्य और जीवन में उस ईश्वर को स्वीकार करने के लिए मेरे जीवन में किन किन बाधाएं के सच को सच के रूप में मान करके उसी को झूठ में न बदलते हुए अब प्रभु के सानिध्य को बढ़े। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करे। सबको जय श्री।